नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। जैसा कि अपन लगातार तरीके से रेगुलर तरीके से अपन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए जिनके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक हैं सेकेंड ईयर क्लास में, तो उनके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है। रेगुलर तरीके से अपन सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को तैयार कर रहे हैं, इस क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, इस क्लास के हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से देख रहे हैं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो उसमें आप इसमें से 100% में से 100% ला सकें, यानी कि 100% आप बना सकें। अगर इस क्लास को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आप गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आप पास हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्लासों को रेगुलर देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, ठीक है। देखिए, क्लास देखना ही यहाँ पर क्लास देखने से ही काम नहीं चलता, काम चलता है क्वेश्चनों को याद करने से। तो आप क्लास देखें और उस क्वेश्चन को वहीं उसी टाइम पर याद कर लें। एक बार में याद नहीं होता है तो दो बार में याद करें, लेकिन याद करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चंस जो कि टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 500 क्वेश्चंस, जिसमें से अपन ने 175 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज 25 क्वेश्चंस और करेंगे, जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले पहले हम यह टोटल 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा देंगे। आपको मैं बता दूं, ये तमाम सभी क्वेश्चंस जितने भी हैं सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, वो आंसर की से करवा रहा हूँ। आंसर की का मतलब यह है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देकर आते हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर, जो उनके कंप्यूटर पर पेपर आता है वही पेपर मैं आपको हल करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इस क्लास को रेगुलर तरीके से देखें, फ़ायदा आपका ही है। आज की ये 8 नंबर की क्लास जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि मैंने खुद ने इस पेपर को देखा है, समझा है, और इस पेपर को जितना गहराई से देखा है ना, पेपर बहुत अच्छा पेपर है, हाई लेवल का पेपर है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे का मतलब ये है कि हार्ड क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखें, समझें और हर एक क्वेश्चन को याद करें। देखिए, क्वेश्चन है 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग क्वाइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। होल्डिंग क्वाइल यानी कि चार, देखिए डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 स्टार्टर आते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। तो यहाँ पर 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग क्वाइल लगी होती हैं। होल्डिंग क्वाइल से जुड़े जो प्रतिरोध होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो NVC जो होती है, और NVC का पूरा नाम क्या है, तो नो वोल्ट क्वाइल। तो ये NVC है जिसमें क्या करता है, धारा को कंट्रोल करता है, सीमित करता है, या धारा को सीमित करता है, यानी कि NVC में धारा सीमा को बरकरार रखने के लिए, लिमिट करंट इन NVC के लिए यहाँ पर होल्डिंग क्वाइल के साथ प्रतिरोध जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टर का कार्य क्या है? इन्वर्टर का कार्य हमेशा ध्यान रखना, इन्वर्टर जो होता है ना वो DC को AC में बदलता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, DC को AC में बदलता है। तो AC को DC में कौन बदलता है? तो AC को DC में रेक्टिफायर बदलता है। कौन बदलता है? रेक्टिफायर बदलता है, ठीक है ना। यहाँ पर DC को AC में बदलता है कौन? इन्वर्टर। एक बात ये भी ध्यान रखना, UPS जो आता है ना वो भी DC को AC में ही बदलता है, और इन्वर्टर का दूसरा नाम ही है UPS, ठीक है। तो ये भी आप साथ ही साथ याद रखें, ताकि कन्फ्यूज ना हो, क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछा जाए तो आप उसको गलत ना करें, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को समझें और याद करें। क्वेश्चन से अगला, किसी एप्लीकेशंस को केवल DC की आवश्यकता होती है, यानी कि किस चीज़ को, इनमें से जितने ऑप्शन दिए हैं इनमें से DC की किसको आवश्यकता होती है। वोल्टेज बढ़ाना, तो वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर हमेशा AC पर कार्य करता है, तो यहाँ पर तो DC का कोई लेना देना नहीं है। प्रतिकर्षण मोटर प्रचालन, तो प्रतिकर्षण मोटर जो होती है सिंगल फेज मोटर होती है, और यह AC पर कार्य करती है। इंडक्शन मोटर प्रचालन, जहाँ पर भी इंडक्शन का नाम आ जाए ना वहाँ पर ओनली AC लगती हैं, अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा ही इंडक्शन कार्य करता है वरना नहीं करता, तो यहाँ पर भी AC लगेगा। विद्युत लेपन जो है यह DC पर कार्य करता है, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि एक धातु को दूसरी धातु के ऊपर उसका लेप करना।
वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है। यहाँ पर स्टेबलाइजर का प्रकार पूछा है। देखिए यहाँ पर यह स्टेबलाइजर जो होता है उसके अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर एक ही कुंडली होती है, तो यहाँ पर एक कुंडली तो है। इसमें क्या निकाली गई है, टैपिंगें निकाली गई हैं, है ना। इधर से इनपुट दिया जाता है, इधर आउटपुट मिलता है, तो यहाँ पर टैपिंगें निकाली हुई है तीन। तो यह क्या है, यह है मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, यानी कि मैनुअल तरीके से। इसमें क्या होता है, एक रोटरी स्विच होता है जिसको अपन घुमाते जितना भी अपन को वोल्टेज चाहिए वो अपन को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर। एक होता है ऑटोमेटिक, वो तो था मैनुअल, अब यह आया ऑटोमेटिक, है ना। तो स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस तरीके का, तो इसमें भी ऑटो ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। उसमें भी ऑटो का ही करते हैं और इसमें भी ऑटो का ही करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंदों का उपयोग किया जाता है। तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंदों का उपयोग किया जाता है, तो नायलॉन बंद। क्या नायलॉन, देखिए काफ़ी सारे तार इस तरीके से अगर बिखर रहे हैं तो इनको क्या करना है, अपन को बांधना है। तो बांधने के लिए नायलॉन बंद आता है, क्लिप आता है, उसको बांध देंगे और बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो पैनल बोर्ड जो होते हैं ना, तीन कला घरेलू वायरिंग में, यानी कि घर की जो थ्री फेज वायरिंग होती है वहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर जो ये चित्र है ना, यह है रोटर का चित्र, ये एक टुकड़ा है रोटर का, पूरा देखिए तो इस तरीके से रोटर होता है, ये पूरा रोटर हो गया, ठीक है, ये पूरा रोटर हो गया। अब यहाँ पर ये यहाँ से क्या होता है, ये स्लॉट की जगह है, यहाँ पर शाफ्ट कसी जाती है, और शाफ्ट जहाँ कसी जाती है तो इन वेज का यानी कि छेदों का कार्य क्या है, तो इनमें क्या किया जाता है, शाफ्ट और ये जो रोटर है इन दोनों को लॉक करने के लिए यहाँ पर की लगाई जाती है, की यानी कि चाबी। तो कुंजी तरीके को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर की लगाई जाती है, चाबी लगाई जाती है, ताकि वो दोनों लॉक हो जाए और शाफ्ट और रोटर में फिसलन ना हो, दोनों एक साथ वर्क करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि एक आदर्श अल्टरनेटर में EMF फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है वह है, ये ध्यान रखना, 4.445 FT। ये फाई है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या है, ये फाई है और F और T, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये फाई छोटा सा लिखा है लेकिन इतना छोटा नहीं है, बड़ा है। बटापटी में ऐसा कुछ भी नहीं आता, 2.22 नहीं होता, इसलिए गलत है। ऊपर वाले ऑप्शन क्यों गलत है, 2.22 तो होता ही नहीं, बाकी 4.44 होता है, लेकिन ये बट्टे में नहीं आता, ये भी ध्यान रखना, इसलिए ये गलत हो गया ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। देखिए कम्यूटेटर है ना, मान लो कम्यूटेटर, आपने मोटर को खोला, कम्यूटेटर को जब आपने देखा है तो वो क्या हो रहा है, घिसा हुआ दिख रहा है, चमक रहा है, मतलब कि जहाँ पर घर्षण होता है ना वहाँ पर जो चीज़ है ना वो क्लीन दिखने लग जाती है, साफ जग दिखने लग जाती है, क्योंकि अपन किसी भी चीज़ को साफ करते रगड़ते हैं तो रगड़ते हैं। तो ब्रश क्या हो रहा है कि जब ब्रश और कम्यूटेटर का जो संपर्क होता है, ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी थ्योरी में, इन दोनों चीज़ों को अगर टच हो रही है तो घर्षण होगा, घर्षण होगा तो कार जो कम्यूटेटर है वो क्या होने लग जाएगा, चमकने लग जाएगा। तो जो ज़्यादा अगर चमक उत्पन्न कर रहा है, तेज चमक है ना, नॉर्मल कर रहा है तो कोई बात नहीं करेगा, लेकिन अगर अधिक ही चमक उत्पन्न कर रहा है, नया नया फ्रेश घिसा हुआ दिख रहा है, तो वहाँ जो ब्रश है ना उनकी स्थिति गलत है, वो गलत सेट हो रहा है, इसलिए रगड़ ज़्यादा लग रही है और वहाँ पर घर्षण ज़्यादा लग रहा है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। तो स्थिर आवृत्ति कौन प्रदान करता है, वो है हार्टले ऑसिलेटर, यानी कि बी ऑप्शन कंप्लीटली आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। तो वह होता है दोलन सर्किट, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चार पोल डीसी जनरेटर के ड्यूप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को समझाया है, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसको वहाँ पर आपको समझा रखा है, ठीक है। रेगुलर तरीके से क्लास देखते रहिए। अगला क्वेश्चन, अब वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन आ चुके हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। घर्षण मतलब कि मान लीजिए अगर बेयरिंग चल रहे हैं और बेयरिंग घिसने लग गए हैं, है ना, सूख गए हैं, तो क्या करेंगे अपन, उसमें ग्रीस लगाएंगे, तो उसी को कहेंगे स्नेहक। ग्रीस को क्या कहेंगे, स्नेहक। तो घर्षण कम करने के लिए क्या करेंगे, स्नेहक करेंगे। स्नेहक यानी कि यहाँ देखिए, बच्चे ने क्वेश्चन किया था ना हल, तो पानी जल गया। पानी आप गलती से करके मत आना, पेट्रोल भी मत करना, आग लग जाएगी, मिट्टी का तेल तो बिल्कुल भी नहीं। स्नेहक यानी कि ग्रीस व्रीस का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर जाम हो रहा है, कुछ भी चीज़ जाम हो रही, तो अपन क्या करते हैं, उसमें जाम हो रही है तो अपन ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन से ए इंटू ए की पावर दो इंटू ए की पावर तीन इंटू ए की पावर चार का मान क्या है। तो देखिए इनमें कुछ नहीं करना, अपन को घातों को जोड़ देना है, मैंने पहले भी बताया था, एक दो एक, देखिए ए की पावर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो एक तो है, इंटू ए की पावर फिर दो है, इंटू ए की पावर फिर तीन है, इंटू ए की पावर फिर क्या है, चार है। अब देखिए ए बराबर इन घातों को सभी को क्या करना है, जोड़ना है। अब देखिए जोड़ेंगे तो क्या क्या जोड़ेंगे, एक और दो कितना हो गया तीन, और तीन कितना हो गया छः, और छः चार कितना हो गया दस हो गया। तो यहाँ पर अपना क्या आंसर आ गया, ए की पावर दस, ठीक है। जब भी इंटू हो बीच में तो अपन को घातों को जोड़ देना है समान आधार पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शा जाता है, तो साल को एन से दर्शाया जाता है, ये ध्यान रखना। आर को दर्शाते हैं रेट यानी कि दर, ठीक है, और यहाँ पर आई से दर्शाते हैं ब्याज को, और पी से दर्शाते हैं मूलधन को, ठीक है, ये ध्यान रखना। सारा का सारा मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है, लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है, तो लाभ को परसेंट में व्यक्त किया जाता है। जो रेगुलर तरीके से क्लासेस ले रहे होंगे उनको तो ये क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है, वह है सरकारी विभाग, ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अब आता है क्वेश्चन, कौन सा प्रतिबल है, कौन सा प्रतिबल है, प्रतिबल के बारे में पूछा है, कौन सा, यहाँ पर देखिए चित्र दिया है ना, इसमें कौन सा प्रतिबल है, तो यहाँ पर ये तो इधर की ओर खिंचाव कर रहा है, ये इसकी ओर खिंचाव कर रहा है, तो ये कर्तन प्रतिबल है। ये कौन सा प्रतिबल है, कर्तन, इसको क्या कहेंगे अपन, कर्तन। ये नया क्वेश्चन है, याद कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है, कर्तन प्रतिबल इसको कहेंगे। अब आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर बार। निम्नलिखित में से कौन सा एसी एमीटर है, एसी एमीटर कैसा होता है, एसी एमीटर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब ये जो है ना आपके सामने ये वाला चित्र, ये दोनों अलग अलग नहीं दिए, ये क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करते ना है, तो ये दो दो बार देते हैं, इसलिए एक ही बार है, इसको एक बार समझो। और ये है फ्रिक्वेंसी मीटर यानी कि आवृत्ति मीटर, ठीक है। अगला जो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए अभी मैंने बताया आपको कौन सा सही है, तो ये सही है। बाकी यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ओम मीटर है, क्या है, ये ओम मीटर, ठीक है, ये है ओम मीटर। आगे ये है ओल्ट मीटर, ये क्या है, ओल्ट मीटर है ना। आगे देखिए यहाँ पर बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुने, बिना स्विच पी के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुने, तो देखिए यहाँ पर स्विच के लिए बोर्ड चुनना है, तो यह है, देखिए ये आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वो है आपके सामने, कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है, तो वह है थर्मोस्टेटिक स्विच, ठीक है, कौन सा स्विच है, थर्मोस्टेटिक स्विच है। अगला क्वेश्चन से दिए गए प्रतीक को पहचाने, यहाँ पर प्रतीक को पहचानना है, प्रतीक कौन सा है, तो यह है एसी, कौन सा प्रतीक है, एसी का प्रतीक है। डीसी का बात करें तो कैसा होता है, डीसी का इस तरीके का होता है, सॉरी डीसी का इस तरीके का होता है, ये ध्यान रखना। ओम का मैंने बता दिया, फिर से देख लीजिए, इस तरीके का होता है, इस तरीके का ओम का होता है, ठीक है। इंडक्टेंस का अलग होता है, इंडक्टेंस का कुंडली होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन से आपके सामने, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन सामान्य के लिए
उपयोग किए जाने वाले प्रतीक का पहचान करें। माइक्रोफोन का कौन सा है? देखिए ये माइक्रोफोन का नहीं है, ये भी माइक्रोफोन का नहीं है, ये माइक्रोफोन का है। ठीक है, ये कौन सा है? माइक्रोफोन का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर आपका। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये है अगला क्वेश्चन, मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो होता है स्टार्टर। मोटर को चालू बंद करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर तो मोटर का फील्ड रहती है इस पर, और रोटर घूमने का कार्य करता है। स्लिप रिंगे यहाँ पर सप्लाई देने के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पर अपना सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। तो यहाँ पर अपन ने टोटल 200 क्वेश्चनों को कम्प्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना, ताकि सभी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।